आप सभी भाई बहन विशेष रूप से जो आप भट्टी कर रहे हो ये बहुत अच्छी चीज है मैं आपसे पूछती हूँ आप में से कितने हैं जिनकी बुद्धि अपने कारोबार में जो आपका काम है जो आपका प्रोजेक्ट है जो कुछ आपके हाथ में है वर्तमान समय उस तरफ बुद्धि नहीं गई वो हाथ खड़े करो nearly 30 percent थर्टी टू 40 percent इस मन और बुद्धि को निरंतर चलने की आदत है कहां से कहां पहुंच जाता है बाबा ने हमें एक बात बताई हुई है और वो ये कि बच्चे अंत में आपकी बुद्धि बिल्कुल एकाग्र होनी चाहिए अगर बुद्धि एकाग्र नहीं तो हलचल में हलचल वाली बुद्धि बाबा के वाइब्रेशंस और इंस्पिरेशंस ठीक से कैच नहीं कर सकती जैसे मोबाइल में जब हम बात करते हैं अगर इंटरनेट ठीक नहीं होता है आपकी बात टूट टूट करके होती है तो आपको इरिटेशन भी होता है और बात स्पष्ट भी नहीं होती है दोनों बात होती है ऐसे ही है। अगर मन और बुद्धि की एकाग्रता नहीं है तो ये हलचल होगी और हम बाबा की बातों को प्रॉपरली कैच नहीं कर पाएंगे अंत समय कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं आएगा जैम हो जाएंगे उस समय जिसको बाबा कहता है वायरलेस और वाइसलेस वो कम्युनिकेशन काम करेगा वो सिस्टम हम तैयार कर रहे हैं और तो सब प्रकार के सिस्टम हमारे एक्यूरेसी उसमें हम प्राप्त करते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं एक्यूरेसी प्राप्त कर रहे हैं जहां तक हो सके मोस्ट एक्यूरेट स्थिति को हम कहते हैं लेकिन इसकी एक्यूरेसी वो उतनी ही अनिवार्य है जितनी दूसरी है उससे ज्यादा तो क्या चीज है कर्मातीत स्थिति है अवस्था है या लाइफ है आने पर मैंने देखा बोर्ड लगा है कर्म योग से कर्मातीत आपने कर्म योग क्यों रखा आपने योग से कर्मातीत क्यों नहीं रखा राजयोग से कर्मातीत क्यों नहीं रखा कर्म योग क्यों रखा ज्ञान योग क्यों नहीं रखा वैराग्य योग यो क्यों नहीं रखा कर्म योग यो क्यों रखा है क्योंकि कर्मातीत हमारी लाइफ है कर्मातीत हमारी स्थिति नहीं है कर्मातीत हमारी अवस्था नहीं है ये हमारी लाइफ है कर्मातीत स्थिति वो है जहां आपने उस स्थिति को प्राप्त किया और फिनिश्ड अवस्था वो है जो थोड़ा समय रही और फिनिश्ड लाइफ है जो आपकी नेचुरल जिंदगी है हम विकर्मी नहीं हैं हम अकर्मी भी नहीं हैं हम टोटल सुकर्मी भी नहीं हुए हैं परंतु कर्म योग के माध्यम से हम अपनी इस अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं कर्म योग क्या है कर्म योग की परिभाषा क्या है प्राय कर्म योग के लिए कहते हैं हाथ से कर्म करो और मन से बाबा को याद करो दूसरा कहते हैं इस तरीके से योग युक्त होकर के कर्म करो आपके कर्म योग युक्त हो तीसरी एक और चीज है कर्म योग अर्थात कर्म मैं करूं मुझे कर्म करता हुआ देख कर आपका योग शिव बाबा से लग जाए मैं कर्म योग की परिभाषा ये मानती हूं हम कर्मयोगी हैं वर्क इज वर्शिप हंड्रेड परसेंट परंतु वो कर्म मेरे कैसे हैं क्या कर्म करते हुए मुझे शिव बाबा याद रहता है थोड़ा अंदर जा करके अपने आप को एनालाइज करके देखो रहता है फुल टाइम नहीं रहता शुरू में रहता है याद करके करते हैं फिर जितनी याद पावरफुल होती है उतनी देर वो सस्टेन रहती है उतनी देर मेरा कर्म का करना बहुत अच्छा रहता है उसके पश्चात साधारणता आ जाती है मैं ये नहीं कहूंगी हम कोई विकर्म कर लेते हैं लेकिन साधारण कर्म हो जाते हैं कभी कभी हम बहने आपस में बैठती थीं, छोटे थे बैठते थे दादी आते थे बड़ी दादी भी आते थे गुलजार दादी भी होते थे जिनके साथ ज्यादा रहे हैं तो दादी कहते थे क्या कर रहे थे तो हमारा उत्तर क्या होता था ऐसे ही बैठे थे ऐसे ही का अर्थ क्या है आप सबके साथ भी ये बात लगती है ऐसे ही थे ऐसे ही का अर्थ क्या है एनालाइज तो करो वो किस खाते में जा रहा है ऐसे कर्म मेरा साधारण हो जाता है एक तो ये नुकता है जो ठीक करने वाला है दूसरा सारे कर्म मेरे योग युक्त तो हो वो भी नहीं होता है योग में रह के कर्म कर एक है कर्म करते हुए योग करें दूसरा है योग में रहते हुए कर्म करें आप लोगों ने देखा या नहीं कभी कभी कोई कोई ऐसे नज़ारे देखने में आ जाते हैं कोई व्यक्ति बहुत योग लगा करके उसको टोली बांटने का काम मानो दिया गया आप उसकी चाल ढाल देखो ऐसे जैसे दुनिया में नहीं है इसको भी योग युक्त तो नहीं कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे आप फिर से क्वेश्चन पूछेंगे एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस उसकी यह है कि मैं बस योग परमधाम धाम में दूसरों पे क्या असर हो रहा है वो तो देखो आप तो वहां पर हो हाथ आपका यहां जाने के बजाय वहां जा रहा है इसको हम तो योग युक्त तो नहीं कहेंगे योग युक्त मींस एक्यूरेसी मैं मिसाल सुनाया करती हूं बाबा डॉक्टर माथुर की कोठी में आए हुए थे तो उन दिनों सेंटर्स भी ज़्यादा नहीं थे बहुत थोड़े थे एक अपना कमला नगर था एक रजौरी था साउथ एक्सटेंशन था करोलबाग था नहीं चार पांच सेंटर थे शादरा था तो सब लोग जहाँ मम्मा बाबा होते थे ना तो वहीं पर जाया करते थे और क्लास सवेरे होती थी अर्ली मॉर्निंग और बाबा ठंड के दिनों में आते थे माउंट में ज़्यादा ठंड होती थी ना तो वहाँ से बाबा दिल्ली में आते कम ठंड होती थी लेकिन फिर भी ठंड तो बहुत होती थी तो सवेरे के टाइम माताएं बस में आती थी उन दिनों ऑटो रिक्शा वगैरह का ज़माना इतना नहीं था बसेस में आती थी तो बसेस में आते हुए एक दिन लेट हो गई लेट हो गई बाबा ने कहा क्यों बच्ची आज बहुत देरी हो गई आज तो मुरली ख़त्म होने के बाद पहुंची हो पांच-छह माताएं थीं बाबा हम याद में बैठे थे हमको पता ही नहीं लगा स्टॉप कब निकल गया बाबा ने कहा तुम बिल्कुल योग में नहीं थी अगर तुम योग में होती तुमको उस समय स्ट्राइक तुरंत होता ऐसे आपने कभी कभी कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा ब्रह्मा भोजन बना रहे हैं और सातवें आसमान में बैठे हैं बैठे पतीले के आगे बैठे अंगीठे के आगे बैठे लेकिन बुरी बात नहीं है लेकिन आपकी सब्जी जली क्यों आप बैठे हो योग में सब्जी जल जाए दाल जल जाए मम्मा अमृतसर में आई हुई थी तो क्लास के बाद सर्दियाँ थी क्लास के बाद सब लोग चाय पीते थे तो क्लास पूरा हुआ मम्मा बाहर निकली धुआं धुआं दूध जलने की स्मेल आ रही थी मम्मा ने सीधा पूछा कौन था ड्यूटी पर बताया फलाना था वो भाई अभी भी है मधुबन में फलाना था ये कैसे जल गया दूध दूध कैसे गिर गया मम्मा मैं योग में बैठा था पता है मामा ने कहा योग नहीं था वियोग था हम लोग योग युक्त तो कर्म कर्म करते योग में रहना एक चीज है योग युक्त तो कर्म वे हैं जहाँ कभी भी गलती नहीं होगी बच्चे वॉकिंग पे जाते थे वॉकिंग पे गए कोई गिर गया बाबा कहता था इसकी टोली बंद सबको टोली मिलेगी इसको नहीं मिलेगी क्यों गिरा क्यों आज की भाषा में हम कहेंगे प्रोविडेंस आज की भाषा में हम कहेंगे भाई इसमें उसका क्या दोष था बाबा नहीं मानता था बाबा नहीं कहता था तो बाबा जब कहते हैं योग युक्त एक मिनट ये खिड़कियाँ सब खुली हैं या सब बंद हैं खुली हैं या मेरे कोई गर्मी लग रही है इसको खोलते है तो थोड़ी तो फ्रेश हवा है खोल दो सब खिड़कियाँ खोल दो बहुत सारे लोग बैठे हैं ना तो योग युक्त कर वो आर्टिफिशियल नहीं होते हैं जिसको बाबा कहता है बच्चे आप समझाओ तो जब आप समझाओ किसी को तो कैसे समझाओ योग युक्त होकर के समझाओ आप योग युक्त होकर के समझाएंगे तो उसका जाएगा तीत लगेगा तीसरा है मैं कर्म इतने योग युक्त इतने अच्छे रीति से करूं जो मैं कर रही हूँ साधारण कर्म लेकिन मुझे कर्म करता हुआ देख करके दूसरे को बाबा याद आ जाए दूसरे को साक्षात्कार हो जाए हो सकता है आज अगर ब्रह्मा बाबा से हुआ मम्मा से हुआ हमारी बहनों से हुआ तो हम भी तो बाबा के बच्चे उस दिन बाप दादा की अव्यक्त मुरली में क्या था बच्चे तुम्हारे चेहरे से ब्रह्मा नजर आए दादी जानकी ने एक बार क्लास कराया था दादी जानकी ने कहा ये कहते हैं ये बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती है इसकी शक्ल बिल्कुल अपने पिता पर है ये बिल्कुल ऐसी है ये कोई क्यों नहीं कहता ये बिल्कुल बाप ब्रह्मा जैसी है ये था दादियों का सोचने का पुरुषार्थ का आयाम कितना ऊंचा सोचती थी ये फलानी जैसी लगती है अरे मनुष्य आत्मा ये क्यों नहीं कहते है? ये बाबा जैसी है अपना लक्ष्य बहुत ऊंचा कर्मातीत बनना है कर्मातीत कर्मातीत अर्थात जो हर कर्म से बाबा दिखाई दे भूमि नजर ना आए कर्म भूमि से संबंधित है कर्म भूमि से संबंधित है पृथ्वी से संबंधित है पृथ्वी पे कर्म करते हैं ना लेकिन कर्मातीत अवस्था वो है जहां मैं इथीरियल नहीं इस, इथीरियल बोलते हैं ना इसको अर्थली नहीं मैं दूसरे प्लेन पर हूं मैंने अपनी मानसिक स्टेज कहा सेट की है धरती पर यह मुझे परिवर्तन एम आई एन एक्टर ऑन दिस वर्ल्ड स्टेज और एम आई एन एक्टर ऑन दी सटल स्टेज बाबा बाबा ने करके देखा है ब्रह्मा बाबा एक बार साधारण रूप से अनाज पर बैठे थे अनाज की सफाई होती है ना? यह हमारी डेली रूटीन है यज्ञ की रूटीन है सवेरे क्लास के बाद हमको सब्जी काटना कर्म योग से कर्मातीत कहा गया ना तो बाबा ने सब सिस्टम सेट किए हैं सब्जी काटना रोटी बनाना अनाज साफ करना यह हमारी डेली रूटीन मुझे नहीं पता आप लोग करते हो या नहीं मधुबन हम जाते थे आज भी मौका मिले तो हम करते हैं ओ आर सी में तो मैं कर लेती हूं यज्ञ की सेवा है कर्म योग से है कुछ भी करो कुछ भी करो तो बाबा अनाज पे बैठे थे कूच दादी बहुत अच्छी टीचर थी तो कंज दादी ने एक ऑफिसर को समझाया तो समझा के बाबा को कहा बाबा आई ऑफिसर है सात दिन के बाद ना आपने उनसे मिलना है हाँ बच्ची मैं मिलूँगा तो पूरा हो गया कहा बाबा चलना है ऑफिसर आया है चलो बाबा कितने बच्ची उसको यहीं ले आओ बाबा मैंने आपकी इतनी महिमा की है और यहाँ आके देव आई एस ऑफिसर है बाबा आपको ऐसे साधारण रूप में मैं कहता हूं ना यहां ले आओ बाबा से कौन करेगा बाबा इतनी महिमा की उसको और वो आप यहां आके देखेगा एकदम साधारण मैं कहता हूं ना यहाँ लेके आओ अब बाबा की तो बाबा जाने कूछ दादी ले आई ले आई और बाबा की दृष्टि उस पर पड़ी उसको विष्णु का साक्षात्कार हो गया वो विष्णु भगत था हमारे गुलसार दादी गुलसार दादी को आपने ऑब्जर्व किया होगा या नहीं गुलजार दादी को आपने ऑब्जर्व किया लेकिन मेरा तो भाग्य रहा है जो दादी ने मुझे अपने कमरे में कई साल रखा बारह बारह पंद्रह साल में दादी के साथ रही हूँ एक ही रूम में दादी का इतना न्यारापन होता था दादी सब काम करते थे दादी सफाई भी करते थे शीशे साफ करना ये करना दादी करते थे दादी अपना कपड़ा भी सिलाई करते थे दादी आ, भोजन खाते थे, थे? न्यारापन होता था उनके कार्य भोजन करने में हमारे चेहरे से तो प्रत्यक्ष होगा हमको स्वाद लग रहा है नहीं लग रहा है क्या लग रहा है दादी के जब बिल्कुल कभी नहीं महसूस किया हमने कि दादी को ये चीज अच्छी लग रही है दादी अच्छी है और दे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है तो वो जो चीज़ है न्यारा पन वो कैसे आता है बाबा हमको कहते है न्यारे और प्यारे बनो हम प्यारे बनने की कोशिश करते हैं हम सबको प्लीज करें सब हमसे खुश रहें बाबा की विधि क्या है न्यारे हो तो प्यारे होंगे वो न्यारापन क्या है कैसे आएगा न्यारापन उसके लिए ये जो तीन बातें आपने सिलेक्ट की है ना आज प्रभाव मुक्त लगाव मुक्त और झुकाव मुक्त प्रभाव मुक्त बाबा कहते हैं किसी के प्रभाव में नहीं आओ ना किसी को प्रभावित करो हम लोग यंग थे बहुत सिक्सटी नाइन की बात है आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे सिक्सटी नाइन में जब हमारी ट्रेनिंग हुई कॉलेज गोइंग कन्याओं की उसमें हम बहने थी सब एजुकेटेड थी व यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड ऑल ऑफ वर एजुकेटेड अब मैं आपको सूक्ष्म बात बताने जा रही हूं हमारी जब ट्रेनिंग होती थी क्लास होते थे तो दादियों के क्लास ज्ञान के धारणा के ये करना है ये नहीं करना है ऐसा रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए ये सब होते थे अब सभी दादियाँ ये क्लासेस कराती थी हमारी धारणाओं की क्लासेस कराती थी और जो जगदीश भाई आए जगदीश भाई, आए, जगदीश भाई आप जानते हो जिन्होंने हमारे सारे यज्ञ का लिटरेचर लिखा है जिसको बाबा संजय कहता है तो जगदीश भाई ने हमारी क्लासेस कराई एक क्लास कराई हम सब बहने बहुत खुश हो गए, पूरा ग्रुप हमारा बहुत खुश आज हमको कुछ विशेष मिला है क्योंकि जगदीश इंटेलेक्चुअल भी थे एनालिटिकल भी थे सिस्टमैटिक भी थे और उस तरीके की बातें बोल रहे थे ज्ञान की दादियाँ तो धारणा की बातें बोलती हैं जो कभी अच्छी लगती कभी नहीं भी अच्छी लगती हैं तो हम लोगों ने क्या किया हमने चंद्रमणि दादी जी से जो हमारी इंचार्ज थी उनको कहा जगदीश भाई की क्लास और होने चाहिए ग्रुप था अच्छे अच्छे करने थे आप बेन, 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 सब जो शीलू बहन चंद्रिका बहन मुन्नी बहन आशा बहन आरती बहन सब अच्छी अच्छी बहने सब गई दादी चंद्रमणि तो हैरान इन दादियों की आपस में मीटिंग हुई ये सब कुमारियां जगदीश की क्लास से प्रभावित हो गई हैं जगदीश पर प्रभावित हो गई हैं <laughs> सब ये जगदीश पर प्रभावित हो गए। हम लोग के पास बात तो आएगी ना हम ही को तो समझाएंगे तो तुम सब प्रभावित हो गए कहें दादी हमको क्लास अच्छा लगा की प्रभावित तो होने की बात नहीं है और यंग एज में इसको अच्छा माना जाता है ना शी इज एबल टू इम्प्रेस यंग एज में तो अच्छा मानते हैं ना कि भाई इसका बोलना अच्छा है ये प्रभाव डाल सकती हैं इसका प्रभाव अच्छा पड़ता है तो क्या बुरी बात है इसमें अच्छी बात है बस वो दिन उसके बाद हमारी क्लासेस होनी शुरू हो गई न प्रभाव में आना है न प्रभावित करना है ना कोई के प्रभाव में आओ और ना प्रभावित करने की कोशिश करो हम तो स्कूल कॉलेज में यही सीखा है अच्छी परफॉर्मेंस दो तो, अच्छी भाषण करो अच्छा रीति से ये करो प्रभाव डाल अब ये पूरा लेसन रिवर्स उस समय हमें समझ में नहीं यंग थे ना टेंडर बुद्धि होती है इतने मेच्योर नहीं होते हैं समझ में नहीं आया बट लेटर धीरे धीरे ये बात समझ में आती है कि हमें प्रभावित नहीं होना है क्यों इतनी अच्छी बात अगर मुझ आत्मा और शिव बाबा के बीच में कोई और आत्मा आ जाती है तो मुझ पर तो ग्रहण लग गया सूर्य और धरती के बीच में चंद्रमा आता है ग्रहण लगता है बाबा और मेरे बीच में कोई और पर्सनालिटी आ गई फिर मेरे ऊपर उस पर्सनालिटी का प्रभाव होगा बाबा का नहीं होगा फिर मैं उस पर्सनालिटी के गुण गाऊंगी उस पर्सनालिटी के आधार पर चलूंगी बाबा पर क्या मैंने उस पर्सनालिटी का वारिस बनना है या मैंने बाबा का वारिस बनना है बाबा का बनना है आज अगर मैं प्रभावित होती हूं तो मेरे अंदर वो संस्कार आते हैं और मैं भी अपने आगे चार जनों को प्रभावित करना चाहूं तो हम दादियों से कहते थे दादी इसका मतलब कोई गुण ना देखें किसी के हम तो गुण देखते हैं ना दादी कहती तुमको गुण चोर बनना है गुण सबके देखने गुण उठाने परंतु प्रभावित नहीं होना है उस आत्मा को भी गुण किसने दिए शिव बाबा ने विशेषता किसकी है शिव बाबा की है हम न केवल ये पर्सनालिटी का प्रभाव परंतु स्टाइल का प्रभाव होता है आप लोग कभी कभी ऑब्जर्व करते होंगे कुछ लोग किसी के स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं उसको क्या बोलते हैं डुप्लीकेट कुछ लोग लिख देते हैं फेक याद रखिएगा मैं अकेली आत्मा हूं मुझे अपने संस्कारों को अपने व्यक्तित्व को निखारना है दूसरों के व्यक्तित्व के प्रभाव से अपने आप को नहीं बनाना है आयाम वॉट एम गुण की महिमा करो सीखो परंतु कॉपी मत करो उस इफेक्ट में नहीं हाँ इंस्पिरेशन लो कि अगर ये ऐसा कर सकती हैं तो मैं भी तो कर सकती हूँ दिस इज इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन इज नॉट प्रभाव इंस्पिरेशन इज नॉट प्रभाव ठीक है दूसरा है लगाव आप सब लगाव जानते हो मनुष्यात्माओं से लगाव की बात मैं नहीं करती वो ओल्ड डेटेड थिंग है और हम सब उसको जानते हैं लेकिन ऑफ लेट कुछ दिन पहले ही शायद एक सप्ताह ही हुआ होगा मुझे लगाव की महीनता समझ में आई जो मैं शेयर करूंगी शायद आपके पास ऑलरेडी हो लेकिन मेरे पास इट वाज एन अवेयरनेस और अवेकनिंग या व्हाट एवर रियलाइजेशन अपने नाम से लगाव ये सूक्ष्म है बाबा का एक वरदान था एक सप्ताह ही हुआ है। उस वरदान में था मेरा नाम मेरा नाम खराब होता है मेरा ये खराब होता है ये जो चीज है अपने नाम सर मेरा नाम को ले मेरे कान खड़े हो जाते हैं क्या कहा भाई मेरा नाम लिया जा रहा था क्या हुआ और लगाव छोड़ दीजिए आज हम इतने मेच्योर हैं कि हम किसी की पर्सनालिटी से किसी व्यक्ति से लगाव में नहीं आते हैं ना हम कोई वस्तुओं से लगाव में हैं वस्तुओं से भी नहीं है लेकिन अपनी कार्य कला से लगाव है अपने नाम से लगाव है अपनी सोच से लगाव है वेल दिस इज द वे आई थिंक एंड आई थिंक इट इज़ एक्यूरेट मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती मैं राइट बोल रही हूँ रमाबेन नाम से तो अपनी वर्किंग स्टाइल से होता है मेहंदी लता भाई सूक्ष्म और आजकल अगर मैं इसको रेट्रोस्पेक्ट में देखूं आजकल जो हमारी यूथ के अंदर डिप्रेशन आदि का कारण है वो भी है मैं तो करती हूँ अच्छा मेरे से अच्छा कोई दूसरा कर ले तो मुझे प्रॉब्लम है मुझे प्रॉब्लम है उसको ही दे दीजिए उसी को दे दीजिए क्या कारण है जो हम एक दूसरे के साथ मिलजुल करके कार्य करना एज अ टीम पसंद नहीं करते आप मुझे प्रोजेक्ट दे दीजिए मैं हंड्रेड परसेंट एक्सलेंट करके दिखाऊंगी जहां उस व्यक्ति को टीम में डाल दो फर्क ऑब्जर्व करते हैं करते हैं मैं तो ऑब्जर्व करती हूं ये सूक्ष्म बुद्धि का लगाव नाम का लगाव कला का लगाव थिंकिंग का लगाव जब हम कर्मा जब हम कहते हैं उसमें मेरी सोच वो जो बाबा बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि आज बाबा ने जैसा ग्रुप बाबा के सामने होता मुरली वैसी आ जाती है आज बाबा ने आपको क्या कहा और यह आपके पुरुषार्थ के लिए लगाव मुक्त होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कही बाबा ने बच्चे कार्य करते हो करो फिर शांति में बैठ जाओ ये, ये अभ्यास है, अभ्यास है। कार्य करो उसके बाद शांति में बैठ जाओ थोड़ी देर बैठो उसके बाद फिर आई ऐसी माया है एजुकेशन भी है टेक्नोलॉजी भी है आपकी वर्तमान समय की पुकार के अनुसार साधन भी है परंतु तो माया भी है जब तक आपको आंसर नहीं सूझेगा तब तक आप उसके पीछे लगे रहेंगे तब तक लगे रहेंगे अपने आप को विदड्रॉ कर सकना ये अभ्यास आवश्यक है अपने आप को डिटैच कर सकना आवश्यक है फिर झुकाव झुकाव मुक्त आपका कहीं किसी चीज की ओर अधिक झुकाव होता है बाबा ने जो कर्मातीत अवस्था है वो हमारी अवस्था है रस विहीन एक रस याद रखिएगा जब तक मुझ आत्मा को कहीं से किसी प्रकार का रस आ रहा है तब तक मैं कर्मातीत नहीं हूं फल तैयार होता है जब रस लेना बंद कर देता है मैं आत्मा अगर मुझे नैनों का रस है कानों का रस है जीप का रस है संग का रस है और आगे चलूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रस है इतनी हो गए नॉर्मल वे में कोई भी कार्य करना पूरी बात नहीं है साइंस सतयुग में भी है शायद साइंटिफिक डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं मैं तो आउट ऑफ टच हूँ जो हो रही हैं शायद ये सत्यु की दुनिया में काम आने वाली हो जैसे सेंसर्स हैं आप प्रवेश करो आज से कोई साठ साल पहले बैंगलोर में विश्वेश्वरैया म्यूजियम है और विश्वेश्वरैया अपने देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं उनका ब्रेन इतना अच्छा था जो अमेरिकन ने कहा इनका ब्रेन हमको दे दो स्टडी करना चाहते हैं भारतवासी तो जानते हैं ब्रेन कुछ नहीं परंतु आत्मा में सब कुछ होता है वो तो नहीं दिया परंतु विश्वेश्वरी म्यूजियम में मैं नीली साठ साल पहले की बात बताया कि प्रवेश करो तो आपके उससे ही वाइब्रेशन से दरवाज़ा खुल जाता है रूम में आओ लाइट जग जाती है म्यूजिक चालू हो जाता है ये सब हो जाए तो हम देख के बड़े हैरान होते थे ये कैसे होता है आज कॉमन हो गया अब वहाँ एक ऋषि बनाया हुआ था कहते बस इसके आगे हाथ रखो पानी आ जाएगा पानी आ जाता था तो हम हैरान होते थे ये कैसे होता है आज तो ये कॉमन घर घर की चीज़ हो गई है एयरपोर्ट पर यही है घरों में टैप्स लगे हुए हैं यही चीज़ें हैं तो ये चीजें काम में आएंगी लेकिन हम इसके प्रारूप हो जाए याद रखिएगा, साइलेंस से साइंस को जन्म है साइंस से साइलेंस को जन्म नहीं है ये याद रखना साइलेंस से साइंस को जन्म डॉक्टर अब्दुल कलाम इसको बहुत अप्रिशिएट करते थे कि आपकी संस्था में साइलेंस को जो महत्व दिया गया है वो मैंने कहीं नहीं देखा करते थे। आप केवल बुद्धिवानों की बुद्धि के साथ योग लगाएं तो जिस क्षेत्र में आप है बाबा उस क्षेत्र में आपको नई विधि देगा आपको बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो काम करेगा और एक चीज मैं आपसे कहूंगी समय हो रहा है प्लीज स्लो डाउन योर थिंकिंग टू मच थिंकिंग टू फास्ट थिंकिंग देवी नहीं है कभी देवताओं के चित्र आपने कोई भी देखे जिसमें लग रहा हो ये देवता बड़ा सोचता हुआ नजर आ रहा बड़ी सोच में है ये देवता कुछ प्लानिंग कर रहा है कभी देखा कोई चित्र कितने उनके चित्र हम स्टेबल देखते हैं और हर बार आप उनकी मूर्ति देखोगे हर बार नई चीज आप अनुभव करोगे हर बार वो हम ही तो हैं हम ही तो हैं मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं મેરે ધીન્કિંગ ટુ ફાસ્ટ થી લેકિન અબ સમજ મે આતા હૈ દેવતાય જ્યાદા સોચતે નહીં હૈ દાદી જાન કી ક્યા કહેતે થે ડોન્ટ ધીન્ક તમારી ગાયત્રી બેન ના દાદી से डोंट थिंक एंड हु विल थिंक अबाउट एस डोन्ट थिंक क्यों कहा अरे ये तो माहिर है ये महात्मा इतने ऊंचे पहुंचे हुए हैं अपने अनुभव से कुछ कह रहे हैं डोंट थिंक मना क्या आपकी थिंकिंग इतनी बढ़िया हो जाएगी जो आपको करना होगा वही थॉट आएगा जो आपको करना होगा वही थॉट आएगा आप उसके मास्टर हो जाएंगे आपको हंसी की बात सुनाती हूँ हमारी गुलजार दादी थे ना तो गुलजार दादी छोटेपन से आए फिर दादी को दिल्ली में रखा गया दिल्ली में रखा पहले लखनऊ में थे लखनऊ से दिल्ली में आए दिल्ली में कमला नगर में थे बड़े दीदी होते थे बड़े दीदी कंट्रोलर थे जोन इंचार्ज सब बड़े दीदी करते थे जब पांडव भवन बना तो गुलजार दादी को कमला नगर से पांडु भवन लाया गया तो बड़े दीदी पत्र लिखते थे अब जोन की तो कई बातें होती है ना इनको जोन इंचार्ज बनाया गया तो जोन में तो हजारों बातें होती हैं तो दादी क्या कहते दीदी कहते थे निरसंकल्प देवता अब संकल्प में आओ दादी गुलजार का नाम था निरसंकल्प देवता ज्यादा संकल्प नहीं चलाती है निर्संकल्प देव था अब संकल्प में आओ तो गुलजार दादी हंसने कहते थे मेरे दीदी दी अच्छे गुण को भी आप जो है ना अवगुण बता रहे हो तो दीदी कहती थी अवगुण नहीं तेरे को संकल्प में आना है पुनः निर्संकल्प निर्संकल्प ये ना तपस्या है मैं आपको बताती हूँ टू स्लो डाउन थिंकिंग इज नॉट एन ईजी जॉब मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जिनकी बहुत समय से थिंकिंग फास्ट चलती है उसको स्लो करने में मेहनत लगती है और अंत में हमारे टू मैनी थॉट्स नहीं होंगे एक ही एकाग्र वाला थाट होगा तो आज मैंने आधा क्लास कराया है आधा कर्मातीत वाला शेष है कर्मातीत स्थिति क्या होगी वो शेष आधा है मौका मिलेगा उसको भी कभी ले लूंगी ओम शादी ये जो प्रश्न जिसने भी लिखा है ऐसा बहुत होता है ऐसा बहुत होता है आप स्वयं को डिस्टर्ब करके अपनी क्रिएटिविटी को समाप्त नहीं करो इसमें लिखा है क्या करें अगर कोई आपकी अच्छाई का फायदा लेता हो काम आपने किया और वो चालाकी से क्रेडिट ले जाता है तो क्या करें घबराओ नहीं आप आप हैं सौ दिन सोनार के एक दिन लोहार का एक दिन स्पष्ट हो जाता है आप अगर ज़्यादा सोचेंगे ना तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म होगी आपकी वो अच्छाई खत्म हो जाएगी इनोवेशन ख़त्म हो जाएगी सोचो नहीं लेता है ना ले जाओ कब तक लेगा अपनी उस अच्छाई को मेंटेन कर, उससे घबराओ नहीं ठीक है ओके okay? जिस किसी ने भी लिखा उससे घबराना नहीं जाता है जाने तो ओके okay, ले जाओ कब तक ले जाएगा आप आप हैं ठीक है मेरे अपने अनुभव की बात है मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में नोट्स बनाते थे ना तो मेरे नोट्स सारी क्लास ले लेती थी ले जाती थी तो मेरे को इतनी भी समझ का हो चालाकी का हो नहीं थी भी तुम्हारे नोट सारी क्लास में सर्कुलेट हो रहे हैं तुम भी वही लिखोगी जो वो लिखेंगे तो तुम्हारे मार्क्स तो कम हो जाएंगे लेकिन बाबा बाबा है है ना मैं उदारता से सबको दे ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ लास्ट के तीन चार दिन फिर से मैं लाइब्रेरी चली जाती थी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वहां से रिसर्च वर्क नया नया ढूंढ के ले आती थी वो लिख लेती थी देन यूज अगेंस्ट है इसलिए बाबा आपको मदद करेगा उदाह ले जा ले जा ले जा भाई ले जा कब तक ले जाएगा आकर